कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनातनी दो मामलों को लेकर है। पाकिस्तान चाहता है अफगान हुकूमत डूरंड लाइन को माने, जबकि तालिबान इस पर कतई तैयार नहीं है। दोनों देशों के बीच दूसरा विवादित मसला है तहरीक तालिबान पाकिस्तान, यानी टीटीपी से जुड़ा है। टीटीपी पाकिस्तान से लगातार हमले कर रहा है। अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत टीटीपी पर लगाम कसने के बजाय इसे पाकिस्तान का अंदरूनी मामला बताकर पल्ला झाड़ रहा है, जबकि टीटीपी के आतंकी पाकिस्तान में हमलों के बाद अफगानिस्तान में पनाह ले रहे हैं। टीटीपी को फंडिंग और हथियार भी अफगानिस्तान से मिलते हैं, ये बात किसी से छिपी नहीं है। ये बात पाकिस्तान की नाराजगी की वजह भी है और पाकिस्तान आतंक की खेती करता है, ये बात पूरी दुनिया में किसी से छिपी नहीं है। पूरी दुनिया जानती है इस बात को। पाकिस्तान की यह पहचान हिंदुस्तान दुनिया के हर मंच पर रखता है। पाकिस्तान अब आतंक की चपेट में लगातार बना हुआ है। पाकिस्तान आतंक की जिस आग से हिंदुस्तान को जलाता रहा, अब खुद उसी आतंकी आग से जल रहा है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान से कैसे निपटा जाए, पाकिस्तान को कुछ सूझ नहीं रहा है। अफगानिस्तान के साथ लगी सीमा सुलग रही है, अंदर आतंकी हमले हो रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले दिनों 23 दिसंबर को पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में आत्मघाती विस्फोटक हुआ, जिसमें एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई, चार पुलिसकर्मियों के साथ छह आम लोगों के घायल होने की खबर मिली। यह विस्फोट पुलिस की रूटीन चेकिंग के दौरान हुआ। इस्लामाबाद के सेक्टर I-10 के पास सुबह करीब 10 बजे के करीब पुलिस वालों ने एक वाहन को रोका, जिसमें पुरुष और महिला सवार थी। पहले दोनों कार से बाहर आए, कुछ देर बाद बहाने से युवक कार के अंदर गया और उससे खुद को उड़ा लिया। राजधानी में हुई इस घटना से पूरा पाकिस्तान सहम गया। हमले के